देवी सज्जनों नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्टडी फाइव पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नीच के मंगल के बारे में और यह जानेंगे कि नीच का मंगल जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित होता है तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं। इससे पहले हमने चर्चा की है चंद्रमा, सूर्य और उच्च के मंगल के बारे में। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो आज अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सारे उन परिणामों के बारे में जो कि नीच का मंगल जब स्थित होता है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में तो कौन कौन से परिणाम देता है। सबसे पहले जानते हैं कि मंगल कौन सी राशि में नीच का होता है। मंगल कर्क राशि में नीच का होता है और सबसे अधिक मात्रा में 28 अंशों पे कर्क राशि में मंगल नीच का माना जाता है। जब मंगल 28 डिग्री पर होगा, कर्क राशि में स्थित होगा, तो मंगल सबसे अधिक मात्रा में नीच का होता है। और मंगल इसमें नीच का इसलिए होता है क्योंकि कर्क राशि मूलतः चौथे भाव को दर्शाती है और मंगल उच्च का होता है दशम भाव में, मकर राशि में। और मकर राशि में दशम भाव में मंगल इसलिए उच्च का होता है क्योंकि वो दशम भाव होते हैं, दशम भाव दर्शाता है आपके कार्य स्थान को, कर्म स्थान को। और मंगल ऐसा ग्रह है जो कर्म करने के लिए बना है। मंगल दर्शाता है कर्म को, मंगल दर्शाता है हर उस कार्य को जो उसको दिया गया है उसको पूरा करना, उस अपने आदेश का पालन करना मंगल का कर्तव्य होता है। तो मंगल उस जगह पर उच्च का महसूस करता है जहां पर उसके पास पूरी स्वतंत्रता होती है कार्य को करने की। मंगल दर्शाता है बैटल फील्ड, जिसे हम कहें जंग का मैदान, क्योंकि मंगल क्या है, एक सिपाही है। मंगल आखिरी दम तक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए लड़ना जानता है। मंगल घर परिवार के बारे में नहीं जानता, इसलिए जब मंगल चौथे स्थान पे आता है, मंगल कर्क राशि में आता है, तो मंगल को असुविधा महसूस होती है। मंगल यहाँ पर नीच का महसूस करता, मंगल यहाँ पर उतना सुखमय महसूस नहीं करता क्योंकि चौथा भाव और कर्क राशि दोनों दर्शाते हैं घर को, जिसमें आप रहते हैं, जो आपका रहने के, जो आपके इर्द गिर्द का वातावरण है वो दर्शाता है, ये दर्शाता है सुख को, शांति को। और मंगल को सुख और शांति पसंद नहीं होती। मंगल को सिर्फ पता होता है लड़ाई, मंगल को पता होता है अपने आदेशों का पालन करना है। तो ये इसलिए मंगल इस राशि में नीच का हो जाता है क्योंकि मंगल इस राशि में स्वतंत्र महसूस नहीं करता। मंगल को लगता है कि मैं किसी जगह फंसा हुआ हूं। इसलिए तो सबसे पहले जानते हैं कि कर्क राशि कौन कौन सी चीजों को संबोधित करती है ज्योतिष शास्त्र में। कर्क राशि मूलतः चौथे भाव की राशि है, इसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है और ये दर्शाती है आपकी भावनाओं को, संवेदनाओं को, जो जिस घर में आप रहते हैं उस घर को दर्शाती है। सुख, शांति, शांति का वातावरण, पोषण तत्व, पोषक तत्व, उनको संबोधित करती है। और जो भी आपके इर्द गिर्द जो भी विलासिता भरी वस्तुएं हैं उनको दर्शाती है, जो आपको आनंद प्रदान करती हैं, जो आपको सुख प्रदान करती हैं। तो ये कर्क राशि है। और मंगल क्या है, मंगल एक गर्म ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है। मंगल दर्शाता है ऊर्जा को, शारीरिक ऊर्जा को, ये दर्शाता है निष्ठा, डेडिकेशन जिसे हम बोले, निष्ठा को, शारीरिक ऊर्जा को, स्फूर्ति को। मंगल दर्शाता है इच्छा शक्ति को, आपके अंदर कितनी इच्छा शक्ति है किसी भी कार्य को करने के लिए, वो मंगल है। मंगल दर्शाता है आपके कार्यों को, आपके प्रयत्नों को, एक्शंस को, किसी भी चीज के प्रति आप कितने प्रयत्न करते हैं वो मंगल दर्शाता है। मंगल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने की लगन को। फिर मंगल आपका क्रोध है, मंगल दर्शाता है एग्रेशन जिसे हम कहें, वो मंगल है। तो ये वो भिन्न भिन्न चीजें हैं जो मंगल दर्शाता है। इसलिए जब मंगल नीच का हो जाएगा तो उसके ऊपर उसके जो मूल गुण हैं वो दब जाएंगे और मंगल का जो एक बेसिक नेचर जिसे हम कहें वो अलग हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है, उलट जाता है। तो सबसे पहले जब भी यदि ये मंगल जिन भी कुंडलियों में नीच का होता है, जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में, सबसे पहले ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति, मनोबल, आत्मविश्वास,
और किसी भी चीज को करने के प्रति निष्ठा, शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति की कमी होती है, वो किसी भी चीज के प्रति, अपने आयामों के प्रति सही ढंग से कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि इन चीजों की कमी है उनके शरीर में, इन चीजों की कमी है, इन गुणों की कमी है उनके मन में। इस वजह से फिर यह दर्शाता है कि व्यक्ति बहुत गर्म दिमाग का होगा, व्यक्ति को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता होगा, क्योंकि मंगल यहां पर नीच का हो गया है और मंगल वैसे ही क्रोध को दर्शाता है। तो मंगल जब और भी ऐसी स्थितियों में है जहां उसे सुखमय महसूस नहीं हो रहा है तो वो और ज्यादा क्रोधी बन जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों में बहुत अधिक मात्रा में क्रोध देखा जाता है और ऐसा क्रोध होता है जो ये सही तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। ये हमेशा इनका क्रोध ऐसा होगा जिसे हम कहें एक स्टूपिड एंगर कहें, वो ऐसे व्यक्तियों की होती है क्योंकि ये सही तरीके से उसको अभिव्यक्त नहीं करते। ये इनके मन, इनका जो मन होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है लड़ाइयों के प्रति। इसलिए ये किसी भी व्यक्ति को, यदि इनका क्रोध इतना तेज होता है कि यदि किसी कोई व्यक्ति इनको देख भी रहा हो तो उसको उससे लड़ाई कर सकते हैं, उसको सिर्फ उसके देखने मात्र से, क्योंकि ये नीच का मंगल है। उच्च का मंगल ये नहीं करता। उच्च का मंगल ये जानता है कि उसको अपने क्रोध की अभिव्यक्ति कैसे करनी है, सही तरीके से कैसे अभिव्यक्त किया जाए क्रोध को, वो उच्च का मंगल जानता है। नीच का मंगल ये नहीं जानता। इसलिए नीच के मंगल जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में होता है उनका क्रोध जो है सही तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाते ऐसे लोग। फिर इनका जो क्रोध होता है वो होता भी बहुत ज्यादा है। इसलिए ये हर चीज पर अपना हक जमाते हैं, जिसे सही शब्द कहें तो कंट्रोल फ्रीक होते हैं ऐसे लोग। हर चीज पर अपना शासन जमाने की कोशिश करेंगे। तो ये नीच का मंगल प्रवृत्ति देता है ऐसी चीजों की व्यक्ति के मन में। फिर ये दर्शाता है कि व्यक्ति बहुत, व्यक्ति के अंदर जो शारीरिक ऊर्जा है उसकी तो कमी है ही, पर क्योंकि मंगल रक्त को दर्शा रहा है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्वामी होता है मंगल, इसलिए ये इससे ये भी पता चलता है कि व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता और रक्त है उसमें कमी देखने को मिलती है, उसमें गड़बड़ी देखने को मिलती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को रक्तचाप की समस्याएं हो सकती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं जिनका मंगल नीच का होता है। और यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ जब मंगल नीच का होता है तब के कौन से परिणाम होते हैं उनके बारे में हम जान रहे हैं, ना कि उस मंगल के बारे में जो कि नीच भंग राजयोग बना रहा हो। नीच भंग राजयोग बनाने वाले मंगल के तरीके से परिणाम अलग होंगे, उसमें से कोई भी परिणाम ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है मंगल से तो ये परिणाम आपके ऊपर लागू नहीं होंगे। ये सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों की कुंडली में लागू होने हैं जिनकी कुंडलियों में मंगल नीच का है और नीच भंग राजयोग नहीं बना रहा है। फिर आप जानते हैं कि मंगल जब नीच का होता है तो और कौन कौन से परिणाम देता है। फिर सबसे पहले यह दर्शाता है कि मंगल जो है ये यहाँ पे व्यक्ति को कानून का पालन नहीं करने देगा। ऐसे व्यक्ति आसानी से कानून का पालन नहीं करते, धर्म का पालन नहीं करते, क्योंकि जब मंगल उच्च का होता है तो मंगल दर्शाता है आदेशों के पालन करने की प्रक्रिया को। मंगल का कर्तव्य होता है कि जो उसे आदेश दिए गए हैं वो उसका पालन करे। पर जब मंगल नीच का हो जाएगा तो मंगल की कार्यशैली है वो पूरी तरीके से उलट जाएगी, पूरी तरीके से रिवर्स हो जाएगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति आमतौर पर देखा जाता है कि आसानी से कानून का पालन नहीं करते, धर्म का पालन नहीं करते। और खास तौर से ये तब देखा जाता है जब ये मंगल नीच का होकर के पुनर्वासु नक्षत्र में स्थित हो, खास तौर से। तो ये ऐसे परिणाम देता है जब मंगल नीच का होता है। फिर ये भी दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा रक्षात्मक होते हैं अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, क्योंकि मंगल यहाँ पर कार्य स्थान पर नहीं है। मंगल इस वक्त अपने घर के स्थान में है, अपने गृहस्थ आश्रम में है। इसलिए मंगल जिस भी जगह होगा उस जगह रक्षा को दर्शाता है, उस चीज की रक्षा को दर्शाता है। अगर वो कार्य स्थान में है
तो वो कार्य की रक्षा को दर्शाएगा, पर यदि वो गृहस्थ जीवन में है तो वो गृहस्थ जीवन की रक्षा को दर्शाएगा। इसलिए ये मंगल रक्षात्मक बनाता है व्यक्ति को अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति। और ये क्योंकि मंगल यहाँ पे एक और चीज दर्शाता है, मंगल दर्शाता है चोटों को, जख्मों को, रक्त को। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को काफी हद तक देखने को मिलता है कि बहुत जल्दी जल्दी चोटें लगती रहती हैं, बहुत इंजरीज बहुत जल्दी हो जाती हैं, कहीं पर भी खून बहने लगता है आसानी से। तो ये मंगल के कारण है, क्योंकि मंगल इन्हीं को दर्शा रहा है। फिर ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्तियों का झुकाव होता है बुरी आदतों के प्रति। और यही यदि सही शब्द बोले तो एडिक्शन होगा। ऐसे व्यक्ति बहुत आसानी से झुक जाते हैं किसी भी प्रकार के एडिक्शन की ओर, आसानी से बुरी आदतों में लिप्त होने के चांसेस होते हैं ऐसे व्यक्तियों के। और बहुत जल्दी लड़ाई झगड़ों में पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं किसी भी अन्य व्यक्ति से, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच का है और मंगल हर उस अपनी गलत प्रवृत्ति को उजागर करेगा जो वो नहीं करता है जब वो उच्च का होता है या किसी अन्य अच्छे राशि में बैठा होता है। तो मंगल का यहाँ पर जो मंगल की ऊर्जा है वो नकारात्मक बन रही है, इस वजह से मंगल के नकारात्मक पहलू ही सामने आने लगते हैं व्यक्ति के जीवन में। अब ये जानते हैं कि जब मंगल भिन्न भिन्न नक्षत्रों में बैठा होगा तो क्या क्या परिणाम देगा, क्योंकि इस सृष्टि में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडलियों में मंगल नीच का बैठा होता है, पर इससे ये पता नहीं चलता कि हर व्यक्ति की कुंडली में यदि मंगल नीच का है तो उनके जीवन में एक जैसे परिणाम देगा। परिणाम बिल्कुल अलग अलग होंगे और ये परिणाम अलग अलग होते हैं, इनमें अंतर आता है नक्षत्रों के द्वारा और भाव के द्वारा, कि मंगल जिस भाव में बैठा है और मंगल किस नक्षत्र में बैठा है। कर्क राशि में मंगल, तीन नक्षत्र होते हैं कर्क राशि में जिनमें मंगल स्थित हो सकता है। हर राशि में तीन नक्षत्र होते हैं, कर्क राशि में जो तीन नक्षत्र हैं वो है पुनर्वासु, पुष्य और अश्लेषा। तो जब नीच का मंगल पुनर्वासु नक्षत्र में बैठा होता है, स्थित होता है, तो उस पर बृहस्पति का प्रभाव ज्यादा होता है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है आपका ज्ञान, बृहस्पति दर्शाता है आपके पास कितनी नॉलेज है। तो ये दर्शाते, तो इससे ये पता चलता है क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच का है इसलिए जो ज्ञान होगा वो नीच का हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों की जो संगत होती है वो खराब हो जाती है, कुसंगत होती है ऐसे व्यक्तियों की, जिसकी वजह से इनके अंदर जो सकारात्मक गुण होते हैं वो दब जाते हैं और नकारात्मक गुण सामने उभर के आने लगते हैं जो अपनी ये खराब संगति की वजह से सीखते हैं। और इस नक्षत्र में ये भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता, धर्म का पालन नहीं करता, क्योंकि बृहस्पति यहां पर नीच का हो जा रहा है, बृहस्पति का जो ज्ञान है वो नीच का हो जा रहा है। इसलिए फिर यदि जब ये नक्षत्र स्थित होता है पुष्य नक्षत्र में तो शनि का प्रभाव होता है इस नक्षत्र पे, तो ये व्यक्ति को अनुशासित बनाता है और व्यक्ति काफी ज्यादा रक्षात्मक होता है अपने परिवार के प्रति। और ये व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी एक कंफर्ट जोन जिसे हम कहें उसको बनाए रखने के लिए, जब ये पुष्य नक्षत्र में होता है। तो फिर आखिरी नक्षत्र आता है अश्लेषा का, और इस पे बुध का प्रभाव है। और अश्लेषा नक्षत्र, हमने जब नक्षत्र की सीरीज में बात की थी अश्लेषा नक्षत्र के बारे में, तो ये जाना था कि ये नक्षत्र ऊर्जा से भरा हुआ होता है और इसकी ऊर्जा ऐसी होती है कि इसको यदि सही दिशा मिल जाए तो ये व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, और अगर नकारात्मक रूप मिल जाए इस ऊर्जा को तो ये काफी हद तक नुकसान पहुंचाती है व्यक्ति को। तो इस जगह पर ऊर्जा नकारात्मक है इस नक्षत्र की, क्योंकि मंगल नीच का है, मंगल स्वयं ऊर्जा है, ये नक्षत्र स्वयं ऊर्जा है, और बुध ऐसा ग्रह होता है जो जिस राशि के अनुसार और ग्रह के अनुसार बैठता है, जिस भी ग्रह और राशि का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो वैसे ही गुण देने लगता है। इसलिए यहाँ पर ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है और अच्छी राशि में नहीं है, इसलिए बुध का प्रभाव यहाँ पर अच्छा देखने को नहीं मिलता। इसलिए इस नक्षत्र में जो ऊर्जा है वो व्यक्ति के अंदर पूरी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा होगी, बहुत ज्यादा क्रोध होगा, अत्यंत क्रोध होता है ऐसे व्यक्तियों के जो दर्शाए जाते हैं जिनकी कुंडलियों में
स्थित होता है नीच का मंगल अश्लेषा नक्षत्र में, ये व्यक्ति को काफी हद तक क्रूर बनाता है। ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा क्रूर हो जाते हैं, काफी ज्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं और चिड़चिड़ा बनाता है, और ये व्यक्ति को धूर्त बनाता है, ये व्यक्ति को अत्याचारी बनाता है, जिसको सही मायनों में क्या है अब्यूजिव वो बनाता है व्यक्ति को। और खास तौर से सामान्यता ऐसा देखने को मिलता है कि इस नक्षत्र में मंगल नीच का जब इस नक्षत्र में स्थित हो तो काफी हद तक अपराधी देखे जाते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन से, ऐसे अलाइनमेंट से बहुत हद तक क्रिमिनल्स देखे जाते हैं सामान्यता। हालांकि इसके लिए आपको बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है किसी भी कुंडली में, पर एक जनरल कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो वो ये है, नीच का मंगल अश्लेषा नक्षत्र में वो अच्छा नहीं होता है। तो ये वो सारे परिणाम हैं जो कि मंगल देता है जब वो नीच का होता है, और इसके परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं भाव के कारण और नक्षत्रों के कारण। तो ये हमने जाना इस मंगल जब नीच का होता है तो कौन कौन से प्रभावों को देता है, कौन कौन से प्रभाव डालता है जीवन पे। और फिर से मैं कहूंगा कि ये जितने भी परिणाम हमने जाने हैं ये सिर्फ और सिर्फ तभी लागू होते हैं जब मंगल पूर्णता नीच का होता है कुंडली में, वो नीच भंग राजयोग नहीं बना रहा है। यदि नीच भंग राजयोग मंगल बना रहा है तो ये परिणाम आपके जीवन में लागू नहीं होंगे, आपकी कुंडली में लागू नहीं होंगे। तो ये था मेरा दृष्टिकोण नीच के मंगल और उससे जुड़े हुए सारे परिणामों के बारे में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। अन्य जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में जानेंगे उच्च के बुध के बारे में और उससे जुड़े हुए सभी परिणामों के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार और धन्यवाद।